फतेहपुर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र के बिजौली गांव में जानवर चराने के दौरान दबंगों ने एक परिवार के कई लोगों को धारदार हथियार व लाठी डंडों से मारपीट के साथ ही कई राउंड फायरिंग भी की, जिससे एक महिला के सिर पर गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज कानपुर में चल रहा था। वहीं मारपीट से एक ही परिवार के कई लोग घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। वहीं दबंगों द्वारा इस परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जब तक इस बात की सुनवाई थाने में नहीं हुई तो पीड़ित परिवार एसपी के समक्ष पेश होकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं एसपी ने न्याय का आश्वासन देते हुए उन्हें वापस कर दिया है। वहीं पीड़ितों का कहना है कि जानवर चराने को लेकर दबंगों ने घरवालों के साथ धारदार हथियार से मारपीट की और कई राउंड फायरिंग भी की, जिससे विद्यावती को गोली लग गई, जिसका इलाज कानपुर में हुआ है। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके कारण दबंगों द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिसके कारण हम लोग एसपी ऑफिस आए हैं। वहीं जिले के अधिकारी आला अधिकारी इस मामले में कुछ कहने को तैयार नहीं है। बताएं चाचा जी, आपके साथ भी मारपीट हुई है? हाँ, मारपीट हुई। हम जब आए थे अपने घर से कि देखें क्या कर रहे हैं, भतीजे को मार रहे हैं, तो हम गए समझा दें जरा थोड़ा इनको, दुर्गा को। दुर्गा ने आवाज़ दी कि ललकारो मारो सारे काट। हम गए समझाने के हिसाब से, तो वो लोग उमाकांत बगल में थे, उमाकांत ने फायर किया और उधर से फायर करके हम उधर को देखने लगे। बस आके तो चाचा जी, कोई रंजिश थी किस कारण से जो है? रंजिश नहीं थी, अभी खेती वेती के बारे में नहीं थी, रंजिश कोई खेती वेती के बारे में नहीं थी, होगी तो कुछ होगी, अब कुछ कोई। तो जो है और किसी के साथ मारपीट भी की? अरे बहुत ज़्यादा की है, तो सजावार आदमी है, क्रिमिनल आदमी है। तो जो फायर की है जो है लाइसेंस ही थी कुछ? नहीं नहीं नहीं, चुराते हो सकता है उसकी, हमने कारतूस भी दी है, तो कोई कारतूस आपने इसको पास दी है? कौन सा थाना है आपका? आपका नाम क्या दादी जी? आपके साथ भी मारपीट हुई है? उनका मारे हम मारे घिरा कर गोली मार दें, तो गोली जब मारे करें तब पाछा लाठी ले मारता, लाठी ले मारा था रहो, जब अब भागे कैसे भागे पाओ, तब गोली मारे थी, फिर गोली मारे थी, तो गोली गिर पड़े तो गोली नीचे जाए, जैसे भगवान आया घर। आपके लगी है गोली? गोली या घर में लगी है, जब वहाँ से आए तो घर में मारता नहीं। तो इसकी शिकायत आपने चांदपुर में थाना में की जो है, तो क्या कुछ कार्रवाई? नहीं, कोई सुनाई नहीं है। क्या नाम माता जी आपका? हमारा नाम विद्यावती है। गाँव कौन सा आपका? विद्यावती।